डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। आज संडे है और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ संडे को एक वीडियो शेयर करता हूं और कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं दे पाया हूं, तो इसी से संबंधित मैं आज बतलाऊंगा आप लोगों को कि मैं वीडियो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बता दूँ कि कुछ दिनों से मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसके पीछे क्या रीज़न है। अभी के समय में अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार इस तरह का कुछ भी हो जाए तो एक ही डर होता है कि कहीं कोरोना ना हो गया। तो उसी तरह से मुझे भी वही प्रॉब्लम हुआ, अचानक से फीवर आ गया। जैसा कि 21 तारीख को रामनवमी था, उस दिन मैंने पूजा वूजा किया, उसके बाद दिन भर मैं अपना काम में लगा रहा। आप लोग देख चुके हैं कि मैं जिस रूम में काम करता हूँ, कई बार बच्चों के साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग देखे हैं, वो रूम जो है एल्बेस्टर शीट डाला हुआ ऊपर से, तो आप जानते ही हैं कि एल्बेस्टर शीट में कितनी गर्मी लगती है। और अभी आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर है लगभग 1K जाने वाला है, तो किसी के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि डूबते को क्या चाहिए तिनके का सहारा। तो वैसे यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर अभी कम हैं, 400 500 600 सब्सक्राइबर हैं, तो वैसे यूट्यूबर के लिए अगर 1K सब्सक्राइबर जाता है तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, उतना ही बहुत खुशी की बात होती है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर के लिए 1K कुछ भी मायने नहीं रखता है, तो उसी प्रकार से मेरे लिए भी काफ़ी मायने रखता है कि मेरा भी 1K जाने वाला है। तो इसी से एक्साइटेड होकर मैं इतना ज़्यादा काम करने लगा, मैं काम करने के धुन में भूल गया कि अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। और इस रूम में बैठ के मैं दिन भर काम करता रहा, उस दिन पूजा करने के बाद दिन भर काम किया, उसके बाद फिर रात में मैं सो गया। जब सुबह उठा तो मुझे अजीब सा लगा, कुछ फीवर सा महसूस होने लगा। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मैं ट्यूशन चला गया सुबह में जो जाता हूँ जिस प्रकार से, उसके बाद 2 ट्यूशन लिया, मुझे लगने लगा कि अब होगा नहीं, तो मैंने आगे जो ट्यूशन था उसको बंद कर दिया, नहीं लिया, वापस घर आ गया। अब मुझे काफ़ी फीवर महसूस हो रहा था, मैं घर में आया और आराम से सो गया, लेकिन सो नहीं पा रहा था क्योंकि तबीयत खराब हो तो नींद भी नहीं आती है। फिर लास्ट में मैं शाम को दवा लिया, दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके अगले दिन भी जाकर मैंने दवा लिया, लेकिन फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। अंततः मैं सोचने लगा कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि मेरा तबीयत ख़राब हुआ। जनरली मेरा तबीयत ख़राब नहीं होता है, और जब तक कोई बड़ा रीज़न ना हो तब तक ख़राब नहीं होता। तो मैं सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि निश्चित रूप से मुझे लू लगा है। फिर मैंने कई वीडियो देखा लू लगने के लक्षण क्या होते हैं, जब उसमें बतलाया गया तो मुझे पता चला कि बिल्कुल ही मुझे लू लगा है। नहीं तो मुझे भी डर था कि पता नहीं कोरोना तो नहीं हो गया। फाइनली मैं कंफर्म हो गया कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है, लू लगा हुआ है। मैं दूसरा दवा ले रहा था इसीलिए मुझे ठीक नहीं हो रहा था। अगर आपको लू लग जाता है तो वैसी स्थिति में आपको नींबू चीनी और नमक का शरबत बनाकर कम से कम 2-3 बार दिन में लेना चाहिए, या फिर कच्चे आम को पकाकर उसको शरबत बनाकर लेना चाहिए। इसके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अभी मैं वही ले रहा हूँ, अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दवा लिया हुआ है और इसी तरह का मैं शरबत ले रहा हूँ। अब मुझे पहले से थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि अचानक से सर कहाँ भाग गए। ये वीडियो बनाने के पीछे और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लाइफ में जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, बहुत बड़ा काम करने के लिए उतरते हैं, तो जितना बड़ा काम आप करने के लिए उतरते हैं उतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं। ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी कि आपको लगेगा अब नहीं होने वाला है और आप छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग YouTube में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आपको नज़र आने लगेंगी और फिर वहां से आपको भागना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी कोई यही सिचुएशन आया हुआ है। अभी मेरी स्थिति ऐसा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहकर यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन अगर किसी के साथ आता है तो मोस्ट ऑफ पीपुल यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे टिका हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करते रहता है, तो इस चीज़ के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि ये सही समय नहीं है इसको बतलाने के लिए। अगर मैं इसको बतलाता हूँ तो ये वही बात हो जाता है, छोटी मुँह और बड़ी बात। तो इसका भी एक समय होगा, तभी मैं बतला पाऊँगा। और ये वीडियो बनाने का और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये स्टोरी जो है, स्टोरी का 1 पार्ट है।
स्टोरी क्या, मेरा स्टोरी कहिए या फिर मेरे जैसे कई लोगों की स्टोरी, ये स्टोरी वन पार्ट है। वन पार्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, लगभग जीरो के बराबर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी अपने चैनल को देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि कल मेरे पास 200 सब्सक्राइबर थे, आज मेरे पास 300 सब्सक्राइबर, फिर कल जो है 400, 500, इस तरह से कुछ ना कुछ तो बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट मेरे चैनल को देखते हैं जो आमने सामने रहते हैं। मेरे स्टूडेंट उन लोगों को बतलाते हैं कि ये मेरे सर हैं और इन्होंने ये चैनल शुरू किया है और वे अपने चैनल के द्वारा स्टडी करवाते हैं। जब वे स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट जो है देखते हैं मेरे चैनल को और फिर वो देखते हैं कि कितना टाइम हो गया, तो देखते हैं कि लगभग 1 ईयर होने वाला, 1 साल, तो 1 साल होने वाला है और 1K सब्सक्राइबर भी नहीं किया है। जब वे ऐसा देखते हैं तो बोलते हैं ये कैसा वीडियो बनाते हैं कि अभी तक 1K सब्सक्राइबर भी नहीं किया है, 1 ईयर होने वाला है। तो उनकी बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि वाकई में वो सही बोल रहे हैं कि इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अभी 1K सब्सक्राइबर भी मैं नहीं गेन कर चुका हूँ। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ अपने चैनल में क्या होता है कि कभी कभी इतना डाउन जाने लगता है, ना तो उसमें कोई वॉच टाइम बढ़ता है, ना सब्सक्राइबर बढ़ता है, ना व्यूज़ बढ़ता है, कुछ भी नहीं, लगातार डाउन जाने लगता है और इतना डाउन चला जाता है मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। लेकिन फिर कभी कभी देखता हूँ कि अचानक से वो स्पीड से जाने लगता है, सब्सक्राइबर भी आने लगता है, व्यूज़ भी और वॉच टाइम भी बढ़ने लगता है। इस तरह का स्थिति मैं देखता हूँ। इस 1 साल के अंतराल में मैं ये एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे इस तरह का होता रहता है, तो अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो आने वाले समय में हो सकता है अचानक यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँगा तभी होगा, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा तो ये नहीं होने वाला है। तो ये बात जो है आपको मोटिवेट कर सकता है। जो यूट्यूबर ऐसा सोचते हैं कि 3 महीना 4 महीना 8 महीना में मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर लूँगा, उससे पैसे आने लगेंगे, अगर कोई ऐसा सोचते हैं तो उनको ये बातें मोटिवेट कर सकता है कि अगर 1 साल में भी आप कोई पैसा गेन नहीं कर सके हैं तो हो सकता है कि दूसरे साल में आप जब काम करें तो वो इतना स्पीड चला जाए कि मोनेटाइज भी हो जाए और आपको पैसे भी आने लगे और अच्छा खासा पैसा आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है, एक्चुअली ऐसा होता है। मैंने कई चैनल देखे हैं, मैं अभी कोई नाम नहीं लूँगा लेकिन उसका चैनल मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने उसको देखा था कि वह 5K सब्सक्राइबर उसके पास था, उसको उस समय जो है चैनल तो मोनेटाइज हो गया, उसको पैसे भी आ गए, उसने पैसे आए इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ था। उसके ठीक 1 सप्ताह बाद मैंने देखा 10K सब्सक्राइबर हो गया, तो 10K जब हुआ तो उस पर भी उसने एक वीडियो बनाया और उसके ठीक कुछ दिन बाद मैंने देखा कि 15 से 18K चला गया और फिर कुछ दिन बाद 30K से प्लस चला गया। तो इस तरह से हुआ, तो इससे देख कर ये समझ में आ गया कि ऐसा होगा, तो इसीलिए यहाँ से भागना नहीं है। जब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? मेरा ये वीडियो यादगार रहेगा क्योंकि यह स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली यादगार रहेगा, ये जरूरी नहीं कि आपके लिए यादगार रहेगा, लेकिन मेरे लिए यादगार रहेगा कि मैं किस सिचुएशन में था। उसके बाद आने वाला समय अगर मैं यहाँ पर एक सफल यूट्यूबर बनता हूँ और कुछ बड़ा कर जाता हूँ तब फिर स्टोरी का दूसरा पार्ट बनेगा, फिर मैं उस समय इस वीडियो को दिखाऊंगा कि मैं क्या था। इसलिए ये वीडियो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और लोगों को इस वीडियो से उस समय मोटिवेशन मिलेगा। अभी मोटिवेशन मिले ना मिले, लेकिन एक सफल व्यक्ति जब अपनी पुरानी वीडियो को लोगों को दिखाता है कि वह क्या था, कहाँ था, कितना नीचे था और वहाँ से उठ के आया है, तब लोग उनकी बातों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और उनकी बातों को मानने लगते हैं। तो उसके लिए अभी बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी मुसीबतों को इसी तरह से पार करते जाना है, तभी मंजिल मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बतलाना चाह रहा था कि मुझे लू लगा है, कोरोना नहीं हुआ है और जल्द ही मैं रिकवर हो जाऊंगा और फिर से आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देते हैं, वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है, आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर से मैं नेक्स्ट संडे को इसी तरह के एक वीडियो में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।